अगर उन कंट्रीज की लिस्ट बनाई जाए जहाँ पर है बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा मॉडर्न सिटी लैंडस्केप, बहुत सारा ट्रेडिशन और बहुत ही सुंदर नेचर, तो उस लिस्ट की टॉप थ्री में जापान जरूर अपने आप को पाएगा। और अगर आप ही जापान का ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो है आपके लिए परफेक्ट। इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे उन सारे पहलुओं पे जिसको फॉलो करके आप जापान का अच्छा सा ट्रिप प्लान कर सकते हैं, जैसे कि आपको कब जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, क्या इटनरी फॉलो करनी चाहिए और लगभग कितना खर्चा होने वाला है। आए, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉन्डरिंग मॉन्क। अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और प्लान करते हैं जापान का एक अच्छा सा ट्रिप। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कब जाना चाहिए, बेस्ट टाइम क्या होता है जापान ट्रैवल करने के लिए। और बेस्ट सीजन अगर मेरे से पूछेंगे तो कुछ 15 दिनों का विंडो है अप्रैल में, जबकि होता है चेरी ब्लॉसम, वो बेस्ट टाइम है जाने के लिए। अगर आप चेरी ब्लॉसम के टाइम किसी कारण से नहीं जा पा रहे, चेरी ब्लॉसम के बाद मई तक काफ़ी अच्छा सीजन होता है देखने के लिए पूरा का पूरा स्प्रिंग। और इसके अलावा ऑटम भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर होता है जापान में, जब टेम्परेचर पूरा निगेटिव होता है लगभग पूरे जापान में, तो काफ़ी सारी विंटर इल्यूमिनेशंस होती हैं, तो आप विंटर का सीजन भी फॉलो कर सकते हैं जापान ट्रैवल करने के लिए। कब के बाद अगर हम लोग बात करें कैसे जा सकते हैं, वहाँ का जो फ्लैगशिप कैरियर है ANA, वो डायरेक्ट फ्लाइट्स ऑपरेट कर रहा है दिल्ली और मुंबई दोनों ही जगह से। और अगर आप प्रमोशनल टाइम पे उनकी टिकट्स बुक करते हैं लगभग 40,000 में आपको रिटर्न टिकट मिल जाता है दिल्ली या मुंबई से, अप्रॉक्सीमेट फिगर मैं बोल रहा हूँ। और इसके अलावा दिल्ली से एक और ऑप्शन है, वो है जापान एयरलाइंस का, वो भी फ्लाइट्स ऑपरेट कर रहे हैं अभी दिल्ली और टोक्यो के बीच में। अगर आप बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं तो एक ऑप्शन है वियटजेट, सर्विसेज के मामले में बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर आप वियटजेट से ट्रैवल करते हैं तो डेफिनेटली आपका पैसा बचने वाला है। मुंबई से वाया वियतनाम वियटजेट की टिकट्स यूजुअली 30,000 के अंदर अंदर आपको मिल जाती है, जिसमें आप लगभग 15 किलो का चेक इन बैगेज भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि आपको कितने दिनों के लिए जाना चाहिए। ये सवाल बहुत ही ट्रिकी है क्योंकि जापान बहुत बड़ी कंट्री है और बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं नॉर्थ से लेकर साउथ तक, लेकिन जो फर्स्ट टाइम ट्रैवलर होता है वो कोशिश करता है कि 3 जो मेन प्रोमिनेंट सिटीज़ हैं उनको कवर करे फर्स्ट ट्रिप में। वैसा ही मैंने भी किया था, तो आप ओसाका, क्योटो और टोक्यो को मिस नहीं करेंगे जब भी आप जाएंगे। अगर जो आइटनरी मैंने फॉलो की थी वही आइटनरी आप भी फॉलो कर सकते हैं, तो ओसाका, क्योटो और टोक्यो के साथ साथ आप जापान का जापानीज एल्स भी देख पाएंगे। तो मेरे हिसाब से आइडियल टाइम होगा कि आप 10 दिन का ट्रैवल प्लान करें जापान के लिए। इसके बाद बारी आती है वीज़ा की। वीज़ा आप VFS के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से जापान का जो वीज़ा है वो चीपेस्ट है इन टर्म्स ऑफ वीज़ा फ़ीस के रूप में, जहाँ पर भी वीज़ा आपको लेना पड़ता है। इंडियन करेंसी में वीज़ा फ़ीस है 500 रुपये, VFS के थ्रू आप अप्लाई करते हैं तो वो लगभग 650 रुपये आपसे चार्ज करते हैं। और अगर आप वापस कुरियर से पासपोर्ट अपने पास मंगाना चाहेंगे तो उसके लिए अलग से 550 रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स हैं जो आपका ये सारा का सारा काम कर सकते हैं, जैसे मैंने मुंबई में अना ट्रैवल्स की सर्विसेज दी थी इस वीज़ा को अवेल करने के लिए, उन्होंने मेरे से 3 लोगों के लिए चार्ज किए थे लगभग 4200 रुपये, जिसमें ये सारी चीज़ें करके उन्होंने पासपोर्ट मेरे घर पर भिजवा दी थी। हालांकि मैंने 2 वीज़ा उनसे करवाए थे, साउथ कोरिया और जापान, पर अगर आप मुंबई में हैं या आसपास के कहीं एरिया में हैं तो आप हाना ट्रैवल्स की सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं, उनकी सर्विसेज मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अगर वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो लिस्ट यहाँ पे है, पासपोर्ट देना होगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ देना होगा, अपनी आइटनरी देनी होगी। बहुत सारे एजेंट्स बोलते हैं कि फुली पेड आपको टिकट लगाना होता है फ्लाइट का, कुछ लोग बोलते हैं ये आइटनरी से काम चल जाता है। इसके अलावा आपको होटल की बुकिंग्स देनी होती है, एक कवर लेटर देना होता है। इनकम की बात की जाए कि आपको जो इनकम प्रूफ में अगर आप सैलरीड हैं तो आपको सैलरी स्लिप लगानी होगी 3 महीनों की, आपका ITR देना होगा 6 मंथ्स का, साथ ही साथ आपको देना होता है सेविंग बैंक अकाउंट का एक स्टेटमेंट। कोई हालांकि फिगर कहीं पे मेंशन नहीं है, पर मेरे एजेंट ने मुझे बोला था कि लगभग 1,00,000 रुपये आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में रखिएगा पर पर्सन, जितने लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं। सबमिट होने के 5 वर्किंग डेज में आपको आपका वीज़ा आपके पासपोर्ट पर लगा हुआ मिल जाएगा। जापान जाने से पहले वहाँ की एंट्री फॉर्मेलिटीज़ आप ऑनलाइन बैठे बैठे कंप्लीट कर सकते हैं। एक वेबसाइट है जिसका नाम है विजिट जापान वेब, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर उस वेबसाइट पे आप पहले से अपनी ट्रैवल की डिटेल्स डाल के जाएंगे तो 2 QR कोड आपके ट्रैवल से पहले जनरेट हो जाएगा, एक होगा आपके इमिग्रेशन के लिए, एक होगा कस्टम के लिए। इमिग्रेशन और कस्टम वाले जो QR कोड्स हैं आपको काफ़ी आसानी से एयरपोर्ट से बाहर निकलने में मदद करेंगे। हालाँकि विजिट जापान वेब आज की डेट में मैंडेटरी नहीं है, और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इसको फिल करके जाइए। अगर आप पहले से फिल करके जाएंगे तो एयरपोर्ट पर आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा। अपनी फ्लाइट टिकट हो गई, वीज़ा हो गया, अभी पहुँचेंगे आप जापान। जापान पहुँचते के साथ साथ आपको सबसे पहले चाहिए होता है सिम कार्ड,
अगर आप कोई भी सर्विस प्रोवाइडर इंडिया का है, एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन है, अगर उनके इंटरनेशनल रोमिंग सर्विसेज एक्टिवेट करते हैं तो 10 दिनों का जो पैक है वो लगभग पड़ता है 3,000 प्लस टैक्स, यानी कि लगभग 3,500 रुपये। और अगर आप वहाँ से सिम कार्ड खरीदते हैं 10 दिनों का, वो भी 2,000 के ऊपर ही जाता है, 2,000 से आई थिंक 2,500 के बीच में पड़ता है, जो जापानीज सिम है, वहाँ के टूरिस्ट जो सिम है, सारे के सारे अभी आपको स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो भी प्राइसेज हैं पूरे जो साउथ कोरिया और जापान के ट्रिप के लिए। जो मुझे सबसे सस्ता ऑप्शन मिला था, एयरालो का ई सिम मैंने लिया था, वो मुझे पड़ा था कुछ 3 GB डेटा, 30 दिनों के लिए वैलिड था, और उसके लिए खर्चा करना पड़ा था मुझे कुछ $15 अगर मुझे करेक्टली याद है, तो वो भी स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। वो सर्विसेज आप अवेल कर सकते हैं, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ पे एक कोड भी है, मेरा रेफरल कोड है, अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करके एयरालो का सिम पहली बार परचेज करेंगे तो आपको क्रेडिट भी मिलेगा $3, और साथ ही साथ मुझे भी मिल जाएंगे $3 के क्रेडिट एयरालो के सिम कार्ड के लिए। सिम कार्ड के बाद नेक्स्ट सेगमेंट है करेंसी का, करेंसी चलती है येन। आज की रेट में येन का INR के अगेंस्ट क्या एक्सचेंज रेट है वो आपको स्क्रीन पे दिखा हुआ मिल जाएगा। वहाँ ट्रांजैक्शन के लिए सबसे ज़्यादा जो मैंने यूज़ किया RBL का क्रेडिट कार्ड, वर्ल्ड सफारी क्रेडिट कार्ड मैं यूज़ करता हूँ, स्पॉन्सर्ड नहीं है RBL वालों, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो स्पॉन्सर करना चाहो तो प्लीज़ कर देना। RBL का मैं वर्ल्ड सफारी क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ, कोई भी मार्कअप चार्ज नहीं लगता, जो भी एक्सचेंज रेट उस दिन का उस टाइम का होगा उसी के हिसाब से आपके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट मेट करेगा। अगर मुझे कैश की कोई ज़रूरत थी तो Neobuy DCB, मैं हमेशा आपको हर वीडियो में बताता हूँ Neobuy DCB यूज़ करता हूँ। हालांकि बहुत सारे लोगों ने मेरे से सवाल पूछे थे कि Neo तो बैन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बट मैं आपको बताना चाहूँगा, October 23 में मैं एक ट्रिप करके आया हूँ, कहाँ करके आपको आगे आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। मैंने वो कार्ड यूज़ किया, मुझे कहीं भी दिक्कत नहीं है, हर जगह विड्रॉ कर सकता था बिना किसी इशू के। एक चीज़ चेंज हुई है अक्टूबर के बाद से, 1 अक्टूबर से इंडियन गवर्नमेंट ने TCS जो है 5% से बढ़ा के 20% कर दिया है, यानी कि जब भी आप विड्रॉ करेंगे तो आपके जितना भी ट्रांजेक्शन अमाउंट है, सपोज आपने 6,000 इंडियन करेंसी में विड्रॉ किया तो आपको लगभग 1,200 रुपये TCS कटता है। अगर आपका एक्सपेंडिचर पूरे साल भर में 7 लाख INR से कम है तो आपके अकाउंट में वापस से क्रेडिट हो जाता है, जो मेरे साथ हुआ, पूरा का पूरा पैसा जो भी TCS का कटा था वो वापस आ गया, विड्रॉल चार्जेस कोई भी नहीं लगे, जो भी एक्सचेंज रेट था उस दिन के एक्सचेंज रेट के हिसाब से मेरे अकाउंट से पैसे कटे थे। आपके पास आ गया सिम कार्ड, आपने ATM से विड्रॉ कर लिए कुछ पैसे, अभी बारी आती है कि आप सिटी में ट्रैवल कैसे करेंगे, यानी कि इंट्रा सिटी ट्रैवल कैसे करेंगे। तीनों ही बड़े शहर जो मैंने विजिट किए इस ट्रिप पे जापान में, चाहे वो ओसाका हो, क्योटो हो या टोक्यो, काफ़ी वेल डेवलप्ड सा इंफ्रास्ट्रक्चर है इन टर्म्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। टैक्सीज बहुत महंगी हैं, ओसाका का जो एयरपोर्ट है वो कुछ 30-35 किलोमीटर दूर है सिटी सेंटर से, अगर मैं टैक्सी करके जाता तो कुछ 15 से 20 हज़ार रुपये INR में देने पड़ते, मैंने नहीं किया, मैंने ट्रेन पकड़ी थी और ट्रेन में कुल खर्चा हुआ मेरे ख्याल से 2,000 रुपये के आसपास तीन लोगों का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रिलाई कीजिए, पॉइंट ये है। और जहाँ पर भी मेट्रो पासेज चलते हैं, जैसे ओसाका में मेट्रो पास है 2-3 दिन, आप मेट्रो पास लीजिए, उससे आपके काफ़ी पैसे बचते हैं और हैसल्स भी बचते हैं। अगर आप मेट्रो पास नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो सारे सिटीज़ में ट्रांसपोर्टेशन के लिए जापान में एक IC कार्ड चलता है, ओसाका में चलता है आइकोका और टोक्यो में चलता है सुइका, चाहे वो बस हो या मेट्रो हो, हर जगह आप IC कार्ड चूज़ करके भी ट्रैवल कर सकते हैं अगर आपने उस सिटी में पास नहीं लिया है तो। तो ये हो गई इंट्रा सिटी की बात। अगर हम इंटर सिटी की बात करें तो ज़्यादातर जो भी टूरिस्ट जाते हैं बाहर से जापान को घूमने के लिए, अक्टूबर से पहले सभी लोग रिकमेंड करते थे कि JR पास परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि आप टोक्यो से क्योटो रिटर्न ट्रिप करते हैं और टोक्यो से नरिता एयरपोर्ट रिटर्न ट्रिप करते हैं, उसी के खर्चे में आपका 7 दिनों का JR पास आ जाता था, पर आज की डेट में ऐसा नहीं है, JR पास काफ़ी महंगा हो चुका है, तो आपको और अल्टरनेट तरीकों की ज़रूरत होगी JR पास लेने के जगह। और वो तरीके क्या हैं वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, JR पास आज की डेट में लेना सेंसिबल क्यों नहीं है और क्या अल्टरनेट तरीके हो सकते हैं जिससे आप इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट आराम से और बजट में मैनेज कर सकें उस वीडियो। इसके बाद बात करते हैं वेजिटेरियन फूड की। वेजिटेरियंस जब ट्रैवल करते हैं इंडिया के बाहर किसी भी कंट्री में तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मेरे वीडियोस पे सारे कमेंट्स ज़्यादातर यही होते हैं, क्या वहाँ इंडियन फूड मिलेगा, वेजिटेरियन मिलेगा, मिलेगा तो कैसा मिलेगा। जापान के छोटे से छोटे शहर में, छोटा शहर यानी कि Matsumoto, Takayama, ऐसे छोटे छोटे माउंटेन टाउन्स थे, वहाँ पर भी मुझे इंडियन रेस्टोरेंट्स मिले तो डेफिनेटली इंडियन फूड की कोई इशू नहीं नज़र आई मुझे। अगर आपको इंडियन फूड नहीं भी मिल रहा है तो आप गूगल में डालिए वीगन रेस्टोरेंट्स नियर मी, आपको डेफिनेटली ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो इंडियन रेस्टोरेंट्स नियर मी या वीगन रेस्टोरेंट्स नियर मी अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे आपको काफ़ी सारे
ठीक ठाक से ऑप्शंस मिल जाते हैं। और अगर कॉस्ट की बात करें, तीन लोग जब भी हम खाना खाने बैठते तो जो एवरेज बिल था वो 2,000 से 3,000 के बीच में आता था। एक या दो बार किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चले गए तो वहाँ को 4,000, 3,000, 4,000 के आसपास आया था। अदरवाइज ऑन एन एवरेज 700 से 800 पर हेड में आराम से आप पूरा खाना खा सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो डेफिनेटली आप लोकल कुजींस में सुशी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत नाम सुना है सुशी और रैमन। रैमन आपको वेजिटेरियन वीगन सब मिल जाता है। रैमन और सुशी अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके जितने फैमिली मार्ट से, यानी कि जो कन्वीनियंस स्टोर्स पे आप जाएंगे आपको इतने तरह के रैमन्स मिलेंगे और इतनी सुशीज मिलेंगी कि आपका दिमाग घूम जाएगा। चलिए बात करते हैं एकोमोडेशन की। एकोमोडेशन के मामले में एशिया की सबसे महंगी देशों में से एक है जापान, अलॉन्ग विथ हांगकॉन्ग, सिंगापुर एंड यूएई। बावजूद इसके कि यहाँ पे होटल्स काफ़ी महंगे हैं, अगर आप ढंग से प्लान करते हैं और 2-3 महीने पहले एडवांस में बुक करते हैं होटल्स को, तो सेंट्रली लोकेटेड जो होटल्स हैं, चाहे वो क्योटो हो, ओसाका हो या टोक्यो हो, ठीक ठाक प्राइसेस में मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्योटो में लगभग 3,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है 3 और 4 स्टार होटल्स, ढंग की लोकेशंस में अच्छी रेटिंग वाला। अभी आप स्क्रीन पे प्राइसेस देख रहे होंगे। सिमिलरली ओसाका में प्राइसेस क्योटो से स्लाइटली हाई मिलेंगे। ओसाका में जो प्राइसेज हैं वो 3,500 एंड अपवर्ड्स होते हैं। टोक्यो इन तीनों ही जगह में सबसे महंगी जगह है, 5,500 से ज़्यादा प्राइसेज हैं अगर आप 3 या 4 स्टार होटल सेलेक्ट करते हैं, रेटिंग 8+ रखते हैं और प्रोमिनेंट स्पॉट जैसे कि शिंजुकू, शिबुया या टोक्यो स्टेशन के आसपास में होटल पहुँचते हैं। होटल के साथ साथ अगर हॉस्टल की बात की जाए तो हॉस्टल पर वेबसाइट पर जाएंगे, क्योटो सबसे सस्ता है, कुछ 1200 रुपये से पर नाइट पर बेड की कॉस्ट होती है। ओसाका में कुछ 1500-1600 रुपये और टोक्यो भी मोर ऑर लेस सेम ही है, लेकिन अगर ढंग का हॉस्टल में जाएंगे तो आपको 2000 पर हेड पड़ता है। अगर आप 2 लोग ट्रैवल करें तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप होटल ही ऑप्ट कीजिए, अनटिल अनलेस आप हॉस्टल की वाइब्स को एंजॉय करना चाहते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं आइटनरी की। आइटनरी के केस में मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी देश घूमने वाले हैं तो आप ट्रिप ऐसे प्लान कीजिए कि एक पॉइंट पे एंट्री कीजिए, दूसरे पॉइंट से एग्जिट कीजिए। जो आइटनरी मैंने फॉलो की थी वही आइटनरी मैं आपसे शेयर करूँगा, उस डिटेल आइटनरी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आइटनरी मैंने शुरू की है ओसाका से, ख़त्म की है टोक्यो पे, क्योंकि मेरा एंट्री था ओसाका और एग्जिट था टोक्यो। आप भी वाली आइटनरी फॉलो कर सकते हैं कि ओसाका में आप इंटर कीजिए, टोक्यो से एग्जिट कीजिए, या वाइस वर्सा, टोक्यो में इंटर कीजिए, ओसाका से एग्जिट कीजिए। मेरी आइटनरी को आप रिवर्स करके यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको टिकट की प्राइसेज बहुत सस्ती पड़ रही हैं रिटर्न फ्लाइट की केस में टोक्यो की, तो आप टोक्यो से स्टार्ट करके टोक्यो पे एंड कर सकते हैं। उस केस में आप एक दिन एक्स्ट्रा रखिएगा ओसाका से वापस टोक्यो जाने के लिए। ब्रीफली मैं बता देता हूँ डे वाइज आइटनरी आपकी क्या होने वाली है। डे ज़ीरो होगा आपका ओसाका में। डे ज़ीरो मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि डे ज़ीरो जब आप पहुँचते हैं काफ़ी थके होते हैं, बहुत ज़्यादा करने के लिए शायद टाइम और एनर्जी दोनों नहीं होती। अगर आपके पास दोनों ही हैं तो आप शॉपिंग कर सकते हैं, मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं, कुछ साइट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने होटल के आसपास। ओसाका के अट्रैक्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए एक वहाँ पे पास चलता है ओसाका ई पास बोलते हैं, 1300-1400 रुपये पर हेड पड़ता है और जिसमें मोटा मोटी सारे के सारे अट्रैक्शन जहाँ भी आपको एंट्री टिकट लेनी पड़ती है वो कवर होता है। वो हाईली रिकमेंडेड है ओसाका के अट्रैक्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए। नेक्स्ट डे ओसाका में होगा आपका डे वन। डे वन पे आप अगर एम्यूजमेंट पार्क्स पसंद करते हैं तो यूनिवर्सल स्टूडियोज डेफिनेटली जाइएगा, आपका पूरा दिन वहीं पर बीत जाएगा। अगर आप एम्यूजमेंट पार्क्स नहीं देखना पसंद करते हैं तो ओसाका से एक डे ट्रिप ले सकते हैं नारा का। नारा बहुत ही फेमस है अपनी ट्रेडिशनल टेम्पल्स के लिए और डियर्स के लिए, तो आप वो एक दिन पूरा प्लान कर सकते हैं नारा के लिए। डे टू आपका शुरू होगा ओसाका में। ओसाका में काफ़ी सारे फेमस लैंडमार्क्स हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसमें सबसे फेमस है ओसाका कासल, काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशन डेक्स हैं जिसमें से आप उमेदा इसका ही देख सकते हैं, 2-3 फेरिस व्हील्स हैं जहाँ से काफ़ी अच्छे नज़ारे मिलते हैं सिटी के, वो देख सकते हैं। नाम्बा और डोटोनबरी करके बहुत ही फेमस शॉपिंग स्ट्रीट है, वहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, मार्केट को एंजॉय कर सकते हैं। और एक बहुत ही पुराना सूटेन काकू करके एक टावर है जो कि बनाया गया था एफिल टावर से इंस्पायर होके, उसके ऊपर जाके ओसाका के नज़ारे देख सकते हैं। ये करने के बाद आप ट्रेन लेके शाम को जा सकते हैं क्योटो, और आपका डे टू जो एंड होगा होगा क्योटो के होटल में। डे थ्री में आप उठिए क्योटो को एक्सप्लोर करने के लिए, सबसे पहले आप चले जाइए फुशीमी इनारी। फुशीमी इनारी सुबह सुबह मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि जितने लोग जाते हैं फुशीमी इनारी वो ऊपर तक जाते नहीं, क्योंकि उसमें पूरा दिन जाता है, कम से कम 4-5 घंटे जाने आने का ट्रैकिंग का टाइम काफ़ी लगता है। लोग जाके तोरी गेट से फोटो खिंचा के आते हैं, सुबह सुबह जाएंगे तो वहाँ भीड़ कम मिलेगी। उसके बाद आप जा सकते हैं क्यो मिजुडेरा करके एक टेम्पल है जहाँ से पूरे क्योटो सिटी का व्यू मिलता है। उसके बाद आप जा सकते हैं किनकाकुजी टेम्पल। किनकाकुजी टेम्पल को गोल्डन पवेलियन भी बोलते हैं। उसके बाद एक फेमस एरिया है अराशियामा करके क्योटो में ही, वहाँ जाइए।
वहाँ पे एक ट्रेन चलती है, सीनिक ट्रेन राइड, जिसको बोलते हैं सगानो रोमांटिक ट्रेन, कत्सुरा रिवर के किनारे किनारे काफ़ी अच्छी सीनिक सी राइड है, वो कर सकते हैं। अराशियामा में बैम्बू ग्रूव है, वो देख सकते हैं। उसके बाद आप आइए आराम से होटल में रेस्ट कीजिए, और अगर आपके पास टाइम है तो कुछ शॉपिंग स्ट्रीट्स हैं क्योटो की, उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। डे फोर में उठिए और निकल पड़िए जापानीज एल्प्स के लिए, जितनी जल्दी निकलेंगे उतना बेहतर होगा। दो तरीके हैं क्योटो से जापानीज एल्प्स में बसे हुए शहर जिसका नाम है टाकायामा वहाँ पहुँचने के लिए। एक तरीका तो ये कि 8:30 के आसपास एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है हिदा वाइड व्यू एक्सप्रेस, ओसाका से शुरू होती है और जाती है टाकायामा तक, वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको बुलेट ट्रेन का मज़ा लेना है, क्योंकि मेरी आइटनरी में सिर्फ यही स्कोप है जहाँ पे बुलेट ट्रेन का मज़ा ले सकते हैं, तो आप क्योटो से टिकट कराइए नागोया का बुलेट ट्रेन का, कुछ 50-55 मिनट की जर्नी होगी। नागोया से आप हिदा वाइड व्यू एक्सप्रेस पकड़िए टाकायामा जाने के लिए, क्योटो से मत पकड़िए। अदरवाइज़ आप इस आइटनरी को फॉलो करेंगे तो बुलेट ट्रेन में चढ़ने का मौका आपको नहीं मिलेगा। बहरहाल, आप क्योटो से नागोया पहुँचे, नागोया से अपनी ट्रेन ली और आप बहुत ही सुंदर से राइड करते हुए पहुँच गए टाकायामा, जो कि बसा हुआ है जापानीज एल्प्स में। वहाँ आइडियली आप 1-2 के आसपास पहुँच जाएंगे। वहाँ पर आप अपने होटल में अपना बैग डालिए, बहुत ही छोटा सा शहर है, स्टेशन के आसपास बहुत सारे होटल्स हैं, स्टेशन के आसपास ही बस स्टैंड है, बस स्टैंड से बस लीजिए और चले जाइए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट शिराकावा को देखने के लिए। बहुत ही ज़्यादा पिक्चरस, बहुत ही सुंदर है, आप विजुअल सभी देख रहे होंगे, मस्ट गो है। आप शाम को आराम कीजिए, आप सुबह से वो उठिए और स्टेशन से बहुत दूर नहीं, मुश्किल से 10 मिनट की वॉक पे एक मियाकावा रिवर बहती, बहुत ही क्लीन प्रिस्टीन माउंटेन रिवर है, उसके किनारे मार्केट लगता है, उस मार्केट को एक्सप्लोर कीजिए। वहाँ पर काफ़ी सारी लोकल प्रोड्यूस मिलते हैं, चाहे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो या फिर सोवीनियर्स हो, उसको एक्सप्लोर कीजिए। टाकायामा मार्केट थोड़ा सा देखिए, बहुत ही पुराना शहर है, हज़ारों साल पुराना, टाकायामा एक्सप्लोर कीजिए। डे 5 पे आप एल्प्स क्रॉसिंग कर सकते हैं। एल्प्स क्रॉसिंग के लिए वहाँ बसें चलती हैं। एल्प्स क्रॉसिंग बेसिकली टाकायामा एक वैली टाउन है, दूसरा मात्सुमोटो वैली टाउन है। टाकायामा से मात्सुमोटो आप जा सकते हैं बस पकड़ के वाया अमीकोची। इनफैक्ट दो और रूट्स हैं, वो कौन से रूट्स हैं उसके लिए आप अमीकोची वाला मेरा वीडियो चेक कीजिएगा, डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी। पर अमीकोची मैंने देखा, मुझे अमीकोची काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगा, तो आप डे 5 पे अमीकोची होते हुए मात्सुमोटो पहुँच जाइए। अमीकोची बहुत सुंदर टाउन है, वहाँ पे आप आराम से 2-3 घंटे 4 घंटे बिता सकते हैं नदी के किनारे। आप शाम को पहुँचेंगे मात्सुमोटो, आपका डे 5 फिनिश हो जाएगा, मात्सुमोटो में आराम कीजिए। डे 6 पे सुबह सुबह उठिए, जितनी जल्दी हो सके, अगर 7 बजे 8 बजे 9 बजे जब भी निकल सकते हैं, आप वहाँ से जा सकते हैं कावागुचिगो एरिया में। कावागुचिगो एरिया बेस लोकेशन है जहाँ से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं माउंट फूजी एरिया को। माउंट फूजी एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए एक वहाँ पे पास चलता है जिसकी प्राइस है लगभग 2800 येन पर पर्सन, जिस वहाँ पे 3 सीनिक रूट्स पे बस चलती हैं, उस बस को कवर करती है वो पास। साथ ही साथ एक केबल कार टूर है जो माउंटेन टॉप पे लेके जाता है, जहाँ से काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिलते हैं माउंट फूजी और लेक के, वो कवर होता है। उसके अलावा लेक में एक बोट टूर होता है, वो कवर होता है। तो मेरे सबसे अच्छा वैल्यू फॉर मनी है, अगर आपके पास टाइम है सफिशेंट, तो आप बोट टूर, केबल कार टूर और एक ओइशी पार्क करके जगह है जहाँ से बहुत ही मस्त व्यूज़ आते हैं, पार्क भी बहुत सुंदर है, वो देख के आप आ सकते हैं कावागुचिगो में, रात को स्टे कर सकते हैं। तो आपका डे 6 कम्प्लीट हो जाएगा कावागुचिगो एरिया में, आप रात को आराम कीजिए। और अगर आपकी कोई एक्टिविटी बच गई तो अर्ली मॉर्निंग वहाँ पर कर सकते हैं, बहुत छोटा सा ही टाउन है, बस का पास आपके पास है। अगर आपने सारी एक्टिविटी कर ली है तो आप टोक्यो निकल सकते हैं वहाँ से। मेरे हिसाब से कावागुचिगो से टोक्यो जाने के लिए बेस्ट ऑप्शन बसेज ही है, काफ़ी सारी फ्रीक्वेंट बसेज हैं, लगभग हर 1 घंटे पे अलग अलग एरियाज के लिए बसेज। तो डे 7 पे आप पहुँच गए हैं टोक्यो। टोक्यो पहुँचने के बाद अगर आपने डिज्नीलैंड नहीं देखा है अभी तक, तो डिज्नीलैंड डेफिनेटली देखिए, कोशिश कीजिए जितना जल्दी पहुँच जाइए डिज्नीलैंड की, आप पूरा दिन बिता सकते हैं डिज्नीलैंड में। और आइडियली मैं चाहूँगा कि आप वीकडे पे जाइए। अगर आप डिज्नीलैंड देख चुके हैं और मेरे बताए आइटनरी को फॉलो करें, यूनिवर्सल देख चुके हैं, तो आप डिज्नीलैंड ओवरऑल स्किप कर सकते हैं। वहाँ पे 2 रिजॉर्ट्स हैं, डिज्नीलैंड एंड डिज्नी सी। मैंने हालांकि हाफ डे में डिज्नी सी देखा था, उसके लिए एक पासपोर्ट आता है वीक टाइट पासपोर्ट करके, मुझे कुछ 4,800 का पड़ा था, वो भी वैरी करता है सीजन के हिसाब से। देखना से आपके पास टाइम है डिज्नीलैंड या डिज्नी सी वीकडे पे जा रहे हैं तो वीक टाइट पासपोर्ट लेके जा सकते हैं, कुछ 4-5 घंटे का टाइम मिलता है जिसमें आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। पर अगर आप फिर से अम्यूजमेंट पार्क नहीं देखना चाहते हैं तो टोक्यो में 7वें दिन करने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप वहाँ पे जो बहुत ही फेमस ऑब्जर्वेशन डेक है टोक्यो टावर, वहाँ पे जाके ऑब्जर्वेशन डेक से सिटी को देख सकते हैं, प्लस वहाँ पे इंपीरियल पैलेस है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। यूएनओ करके एक एरिया है जहाँ पे बहुत ही फेमस जू है,
टोक्यो का वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो आपका 8वां दिन होगा जापान ट्रिप का वो टोक्यो का सेकेंड लास्ट डे होगा, उस दिन आप जाकर देख सकते हैं असाकुसा एरिया में 7th सेंचुरी में बना हुआ सेंसोजी टेम्पल। उसके आसपास बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें हैं, चाहे वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन, वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसके बाद जा सकते हैं अकीहाबारा एरिया देखने के लिए। आइडियली अगर आपके पास शाम को टाइम है तो शाम को जाइए, काफ़ी ज़्यादा ग्लिटरी होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोलते हैं। उसके साथ साथ जा सकते हैं अकीहाबारा के बाद ओडाइबा एरिया, जहाँ पे आप सी साइड पार्क में खड़े होकर टोक्यो में बने हुए स्टैचू ऑफ लिबर्टी के साथ फोटो खिंचवा सकते हैं। उसके बाद ओडाइबा एरिया में ही एक बहुत ही फेमस डिजिटल आर्ट म्यूजियम है जिसको बोलते हैं टीम लैम्प प्लैनेट्स, बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई है ऑफ लेट इंस्टाग्राम की वजह से। टोक्यो जा रहे हैं तो उसको मिस मत कीजिएगा। और रात को आप गिंजा एरिया में जाइए, काफ़ी ज़्यादा फेमस लग्जरी अप टाउन शॉपिंग स्ट्रीट है, बहुत ही ग्लिटरी है, बहुत ही मज़ा आएगा आपको सिर्फ घूमने में। सिर्फ विंडो शॉपिंग करेंगे तो भी आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और रात को वहाँ पे आप डिनर कीजिए, होटल आइए, आराम कीजिए। जो लास्ट डे होगा उस दिन आप जो फेमस प्रोमिनेंट स्पॉट्स हैं टोक्यो के शिंजुकू, जहाँ पे एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है शिंजुकू, उसको एक्सप्लोर कीजिए। शिबुया के ये मार्केट्स को देखिए, हराजुकू मार्केट को देखिए, शिबुया में स्क्रैम्बल क्रॉसिंग है उसको देखिए, प्लस शिंजुकू में एक मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट बिल्डिंग है जहाँ पे फ्री ऑब्जर्वेशन डेक है, जहाँ से आप पूरे टोक्यो को देख सकते हैं। वेदर अगर क्लियर है तो माउंट फूजी भी दिखता है। ये सारी चीज़ें करने के बाद डिपेंड करता है कि अगले दिन आपकी फ़्लाइट यानी कि डे 10th में फ़्लाइट कितने बजे है। अगर आपकी फ़्लाइट सुबह सुबह की है तो मैं सजेस्ट करूँगा आप नरिता एयरपोर्ट के पास होटल लीजिए, क्योंकि जो टाइम लगता है टोक्यो सेंटर से नरिता एयरपोर्ट पहुँचने का वो भी लगभग 1 से 1.5 घंटे के आसपास है, डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर आपकी फ़्लाइट सेकेंड हाफ में है तो आप सिटी में रुक सकते हैं और अगले दिन जाके फ़्लाइट पकड़ के वापस अपने देश 10वें दिन पर। आप लोगों से बात करते करते बाहर का मौसम बदल गया और काफ़ी अंधेरा हो गया, काफ़ी बादल छा गया। नवंबर के महीने में मुंबई में यूजुअली ऐसा नहीं होता है, इसीलिए मुझे ट्यूबलाइट जलाना पड़ा। बहरहाल अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पाते हैं जो है बजट। मैं बजट जो भी बताता हूँ वो एक कपल के लिए बताता हूँ, और बजट में हमेशा हाइयर साइड पर रखता हूँ। आप कहीं पर भी कटौती करना चाहें आराम से कटौती कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अगर आपके पैसे बचेंगे जो बजटेड एक्सपेंस है हमेशा खुशी होती है। अब जितना प्लान करो उससे ज़्यादा खर्चा होता है तो दिल में हमेशा चुभता है। जो सबसे बड़ा खर्चा होता है किसी भी इंटरनेशनल ट्रैवल पे वो होता है फ़्लाइट का। मैंने इस केस में जो ANA के प्रमोशनल फेयर्स है उसको बेंचमार्क रखा है, 40,000 रुपये पर रेट यानी कि 80,000 रुपये में आपका जापान आना जाना हो जाएगा ANA से। अगर आप VietJet के प्रमोशनल फेयर्स यूज़ करके वाया वियतनाम जाते हैं तो इससे कम में आपका आराम से आना जाने का टिकट हो जाएगा टोक्यो से। इसके बाद खर्चा आता है वीज़ा का। वीज़ा का खर्चा जापान के केस में काफ़ी कम है, 2 लोगों का वीज़ा आपका 3,000 रुपये में आराम से हो जाएगा। फिर बात करते हैं एकोमोडेशन का। एकोमोडेशन के केस में मैंने टोटल जो बजट रखा है वो है 70,000 का, 10 दिन होगा यानी कि लगभग 7,000 रुपये एवरेज। आप आराम से इससे कम में मैनेज कर लेंगे, आई एम प्रिटी श्योर ऑफ इट। मेरा जो एक्चुअल खर्चा हुआ था वो था लगभग 84,000 का 10 दिन होगी नहीं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सिम कार्ड की। अगर आप जो एयरालो का सिम कार्ड है वो लेते हैं तो 2 लोग भी लेते हैं तो भी लगभग 2,000 रुपये में आपका सिम कार्ड मैनेज हो जाएगा। फिर बात करते हैं फूड की। फूड का जो मैंने हिसाब लगाया, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से खर्चा किया था लगभग 700 रुपये पर डे पर मील के हिसाब से मैंने हिसाब बैठाया, तो 28,000 रुपये के आसपास आपका खाने के ऊपर खर्चा होने वाला है और 28,000 ही आपका खर्चा होने वाला है इंटर सिटी ट्रैवल पर। मैंने सिर्फ एक ही इसमें बुलेट ट्रेन रखी, वो है क्योटो से नागोया के बीच में। अगर आप ज़्यादा बुलेट ट्रेन पे ट्रैवल करेंगे तो आपका खर्चा डेफिनेटली ज़्यादा होगा, पर जो एटनरी मैंने बताई वो एटनरी मेरे ही एटनरी के हिसाब से फॉलो कर रहा है। आप आराम से 28,000 रुपये में इंटर सिटी ट्रैवल यानी कि एक शहर से दूसरे शहर के ट्रैवल को मैनेज कर पाएंगे। और एयरपोर्ट से सिटी और सिटी से एयरपोर्ट और साथ ही साथ सारे के सारे जो लोकल मेट्रो पासेज हैं अगर उन सब का खर्चा मिला के इंटर सिटी ट्रैवल की बात की जाए वो खर्चा लगभग आप मैनेज कर सकते हैं 13,000 रुपये में। अट्रैक्शंस और एक्टिविटीज़ काफ़ी खर्चीले आइटम होते हैं, मैंने इसके लिए रखा 20,000 रुपये, जिसमें मैंने मेनली यूनिवर्सल स्टूडियोज़ को ही रखा, डिज्नी को नहीं रखा। अगर आप डिज्नी को भी रखना चाहें 2 लोगों के लिए तो 10,000 इसमें और ऐड कर लीजिएगा, पर एक ही अगर आप एक्सप्लोर करने वाले हैं तो मैंने जैसे पहले बोला था यूनिवर्सल कीजिएगा। इसके अलावा टीम लैब्स प्लानेट भी थोड़ा सा महंगा आइटम है, उसमें भी आपका खर्चा होगा, तो इसलिए मैंने टोटल जो एक्टिविटीज़ एंड अट्रैक्शंस के लिए रखा है वो है 20,000 रुपये। और टोटल इस तरह से जो कॉस्ट जो बजट मैंने बनाया है उसके हिसाब से आपका 10 दिनों का ट्रिप हो जाएगा लगभग 2,44,000 रुपये में। रफली अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 2,50,000 रुपये में आप आराम से जापान का ट्रिप करके वापस इंडिया आ सकते हैं।
जापान ट्रिप का पूरा प्लेलिस्ट देखना चाहें, मैंने कैसे डे टू डे कैसे एक्सप्लोर किया जापान को, उसके लिए लिंक स्क्रीन के कॉर्नर पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आप लोगों से जल्दी एक नया वीडियो मिलूंगा, जब तक मिलूँ तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।